god. She is doing so much for me. Yeah. यही तो मैं चाहता हूँ. मैंने कहा. Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. I hope आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे. So पहले तो I'm so sorry कि vlog बहुत ज़्यादा late आ रहा है. Sorry यार. इसमें जा रही हूँ एक नया YouTube वीडियो बनाने सिर्फ आप लोगों के लिए, और हम लोग निकल चुके हैं बट हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इसकी वजह से, बिकॉज ये कहता है कि तू रेडी हो जा, बट ये खुद भी रेडी नहीं होता, सो जाता है. और साहू आर भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, बेचारों को लाइक 40 मिनट्स तो हुई है, और बोले तो खुंदस ने भी है, बिकॉज मैंने उनको खुद कहा था बढ़ के कि जल्दी जल्दी करना, और हम खुद ही लेट हो गए हैं इसकी वजह से. और अभी भी हमें 36 मिनट्स लगने वाले हैं यहाँ से, उनका मतलब वेटिंग टाइम हो जाएगा एक घंटे के ऊपर. चलो कोई नहीं, वो तो मान ही जाएंगे क्या हो गया, बट बुरा लगता है कभी कभी. आज का ना जो वीडियो है ना, मतलब बेसिकली वो एक चैलेंज वीडियो टाइप, एक मतलब फन गेम टाइप होने वाला है. वो मैं आपको वहाँ पर लोकेशन भी पहुँच के समझाऊंगी कि पूरा क्या है. फिलहाल हम लोग बस चलते हैं, और बने रहना इस यूट्यूब वीडियो के अंदर, बहुत मजा आने वाला है. स्टे ट्यून्ड. गाइस हम हो गए आधा घंटा वेट करते करते परी का, और परी अब भी बोल रही आधा घंटे और लगने वाले हैं. क्या बना रहे पागल वागल तुम यार? अच्छा फोन टूट जाएगा भाई, फोन टूट जाएगा. अगर फोन टूट जाता ना फिर बता देते. और तू कहाँ जा रहा हो? ऐसे हम जा रहा है जो कपड़े लेगा नहीं, अब देख के आ जाएगा विंडो शॉपिंग. देख लो पहले सारा घुस गया था एच एन एम में, घुस गया लिया कुछ है नहीं इसने, ऐसे आंट आंट तो बाहर चला जाएगा, देख लेना भी. लिया तूने कुछ? अब तो 50% ऑफ है, तब भी नहीं लिया. क्या लिया भाई? आधा घंटा बोलकर ये रहा विशाल, ये रही परी अंदर, इन्हें हो गए एक घंटे से ऊपर. यार इतनी झूठी बंदी है ना ये प्रोडी. अभी मैं से गालियां भी बक सकता हूँ, पता भी नहीं चलेगा सब बक क्या रहा है. शर्म नहीं है? हम यहाँ पर सारी डेढ़ घंटे से यहाँ पर खड़े हैं, तो शर्म है नहीं है? पूरा ब्लॉग में रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, फोन है लेट, ठीक है झूठी तेरे वजह से. अबे भाई सोता रहेगा क्या? चलो भाई वॉशरूम, ये क्या करेगा तेरे साथ वॉशरूम? चल चल चलो ओके. सो हम लोग मॉल आ चुके हैं, मैं आ रही हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक, तो यहीं पर आज मैं अपनी पूरी यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ. सो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि मैं आज विशाल को पैम्पर करने वाली, लाइक उसको आपने इंस्टाग्राम पे देखा काफ़ी रील्स चल रही हैं, तो उसमें ना मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक अच्छा से यूट्यूब वीडियो शूट कर लूँ, से प्रॉपर रील की जगह. तो मैं मान लो दो पर्ची है, इसे मैं एक में कुछ ऑप्शन रखूँगी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ज़ारा या H&M, ठीक है. तो मैं विशाल को नहीं पता होगा कि इसने क्या लिखा है, तो उसमें से विशाल को एक चूज करना है. तो जो भी आएगा, मान लो विशाल का H&M आता है, तो मैं विशाल को H&M से कुछ दिलाऊंगी, वो मेरी मर्जी कि मैं उसको क्या दिलाऊँ. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये चैलेंज वीडियो. सो बने रहो, लेट्स स्टार्ट. तो पहला मैं लिखने वाली हूँ, आपको सबको पता है कि विशाल कहीं बाहर रहता है, सबसे पहले कुछ खाने का ही मांगता है. पहला मैं लिखने वाली हूँ वेज मील या फिर नॉन वेज मील. और मेरे को पक्का पता है वैसे तो मूव जितना मेरे को लगता है कि विशाल नॉन वेज मील ही खाएगा, बट लेट्स सी क्या पता उसका वेज है, तो उसको वेज खाना ही पड़ेगा और मैं खिलाऊंगी उसको. देख जल्दी जल्दी बस, तो चलो विशाल के पास चलते हैं. बहुत विशाल है वहाँ पे पूरा फोन करता है यार, मेरे को बड़े कुंदस आती कि कहीं भी आएगा ना उस दिन 10 घंटे बाहर घूमा, तो 10 घंटे में से 7 घंटे को फोन पे बात करता है. अच्छी हाय बेब, चूज कर. दिख तो रहा है मुझे, दिख तो रहा है मुझे, ऐसे ही कर ले यार, अब दिख रहा है नीचे वाला. अरे खुद निकाल, नहीं यार यार शिट यार, ये ही तो मैं चाहता हूँ. मैंने कहा था मैं चाहती थी वेज मिल जाए ताकि मैं भी खा सकूँ उसमें से, बट मेरे को नॉन वेज मिलेगा, मैं नॉन वेज तो मैं अकेला खाऊंगा या उसके साथ कैमरामैन को भी नहीं दूंगा. लेट्स गो. पर ये उसमें तो पता किसमें खिलाएगी नॉन वेज मील मेरे को? KFC में खाएगा और वहाँ खाएगा. मील के मुताबिक मुझे उसको नॉन वेज मील खिलानी है आज, तो नॉन वेज में तो विशाल KFC खाता है, बट वो बर्गर तो खाएगा, बट मैं उसके लिए सिर्फ चिकन राइस बोल ही लूंगी. पैसे बचा रही है क्या? नॉनवेज मील की बात हुई है ना, तो यही करना पड़ेगा.
बर्गर की बात हुई थी मेरे से पूछना चाहिए ना, इसे ऑप्शन इसने पापड़ भी खाया ना। थैंक यू सो मच इस गरीब को खिलाने के लिए। चलो मैं भी खा लेती हूँ, फिर हम नेक्स्ट वाला भी सोचते हैं क्या करूँ मैं इसके लिए। खाते तुमने क्यों नहीं खा रहे? हम दोनों खा के आए, जब से पता डेढ़ घंटे पहले बैठे हैं हम आगे। डेढ़ घंटे में दोबारा भूख लग जाती है इंसान को। हमें नहीं लगती ना भाई, हम अभी इसमें भी लगा दी इसने तो पूरे इस पे कोने कोने में लगी। मेरे में दिमाग है, देख इसने इन्हें लगाया था ना उसे मैंने। पर पिएगा जरूर, प्यास लग रही है। अरे लगा लगा रखी इसने। हाँ ये भी सही है, कर ले अब बोल। हम सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मैं दो ऑप्शन जो रख रही हूँ वो थोड़े बहुत एकदम ही ना पोल सा पार्ट है ना, एक पूरब और एक पश्चिम है। तो आओ देखते हैं। फर्स्ट बाथ एंड बॉडी वर्क, क्या है? हाउस ऑफ कैंडी। यू डोंट नो हाउस ऑफ कैंडी? अरे खिलाया था तूने एक बार। और विशाल इन दोनों में जगह में से खुद बढ़ के नहीं जाता, बिकॉज कोई सब इतना शौक नहीं है। मैं ही जाते इन सब जगह में जाती रहती हूँ। तो लेट्स सी उसके में क्या ऑप्शन आता है। आई थ्रो सकती रहती हूँ जितना, इसको दिख जाता है चेस्ट पेन से। जरूर जरूर जा, चल ऊपर नीचे वाला ही है ना, तो मैं वैसे बोल देता हूँ ना। नहीं तो खुद अपने हाथ से निकाल, रुक जा। ये दो पर्चियाँ ये हाँ बाथ एंड बॉडी वर्क। आओ नहाने का सामान लिया जाए, नहाने का लोशन बॉडी से रिलेटेड। अरे मैं ही लेके जाऊंगा कभी अपना खरीद ले और बोले बाद में मुझे दे दे, गाइस मैं बताऊंगा तुम्हें, रुक जाओ। इसी को इसी को तो इसने तो चूज नहीं करा हाउस ऑफ कैंडी, बट मैं बहुत पर मैं खाऊंगा दोनों। नहीं बट मेरा मन तो मैं अपने से लेने आ गई। ये तो ये करी दो एक मुझे मैं बॉक्स बना दूं। नहीं इतना बड़ा वाला नहीं चाहिए, मैं बहुत क्वांटिटी कम ले सकती हूं। कर दो और चॉकलेट वाला और कोई खतरनाक है। देख लो गाइस ये केंचुए वेंचुए खाते हैं, देखो तू भी यही खाएगा केंचुए। अरे ये वाली अच्छी लगती है मैं तो। कौन सा? ये वाली। ये तूने कब खाई? तूने खिलाई तो थी इनमें से कोई? मैंने आज तक नहीं, शायद ये वाली खिलाई थी। नहीं अरे फोन देना पैसे दो मुझे। ले दे चॉकलेट पर। पर मैं थोड़ी लगती हूँ क्योंकि यहाँ पर ना चल रही है सेल 50% ऑफ की, तो ले लेते कुछ भी इसके लिए। किस्मत है यहाँ पे सेल चल रही है। साबुन से नहाता है जो इतना टिक्की मसली साबुन से नहाता है, इन साबुन से नहाता है। विशाल मिस्ट क्या होता है ये? अरे खुशबू वाला नहीं नहीं मिस्ट पिस्ट नहीं दियो है मेरे पास। कह रहा है ऐसा लोशन ना मुंह पे भी लगा दूं। इन साबुन ले ले इसके लिए चार। अरे घड़ी सरफ ले, एक बार ये बंदा देख लो जो ये चीजें बोल रहा है, देखो घड़ी सरफ इसका मुंह घड़ी सरफ ले। खुशबू ही तो आती है, खुशबू ही तो आती है। तू इतना आलसी इंसान तो बॉडी पे लोशन नहीं आज भी लगा के आया हूं मैं तो। मुंह पे लगा के आया लोशन बॉडी पे तो लगाया भी बॉडी लोशन। अरे कुछ भी ले ले यार अपनी मर्जी, लगाना मैंने वैसे नहीं है। आ गई ना अपने पे लगाना वैसे ही नहीं है। दो दिन बाद आज भी घर पे आके गायब कर देगा अपनी तरह समझ रहा है। अच्छा विशाल तेरे घर से कोई चीज गायब करी है मैंने? और वाले जूते नहीं मिले अभी यार भी है ना तो ऐसा तेरी कैंडी छुपक छुपक के मैं खाता हूँ, ये खाता है कितनी चीजें, ये खाता है छुपक छुपक के खाने वाले मेरे पे लगा रहा है। खाने वाली चीज तो बात अलग है भाई, छोड़ वो तो खाने की चीज है। और जो तू पोछे शान शान के चला जाता है क्या क्या करती है? पहले यहाँ से लेके निकलते हैं भाई। वाह इसमें लगे, इसमें मेरे लगे ले रगड़ियो, ले मैं रगड़ू पकड़ी जाए। सुन वैसलीन का लगा रहा तमीज की दुकान है रे, लैपटॉप मार के ऊपर ऐसे का तू चल छोड़ रहे बाहर आ रखे रहने के पागल हो गया तू, कितने पागल आदमी हो गए थोड़े से बाहर आ रखे भाई। कहां से आए यार? यहां पे ये वाला सूंग भाई तू ये अच्छा है ना भाई, जो चीज में लगा लू ना वो चीज अच्छी आई। बॉडी में से बॉडी को नॉर्मली लगता है।
फंस गई जी, फंस गई, लेना पड़ेगा, क्या करूँ। पूछा ही नहीं, पहले बताना पड़ता है यार। क्या हो गया? मैंने कहा टैप इज नॉट वर्किंग, तो पूछा नहीं। अच्छा, क्या होता है टैप? अरे बता दिया मैंने, ये पूरा कर दिया है मैंने। एक मैंने अपने लिए लिया था, तो मैंने और कह रही थी 4-5 दिन लगा के मुझे दे दियो फिर प्लीज। अरे ऐसे तो झूठ सच बात है, चलते हैं सावर में ठस्से में, वो है क्लोथिंग से रिलेटेड। तो एक में आपको पता मैं क्या लिखूंगी, ज़ारा या फिर H&M। आई होप H&M ले ले, बट मेरे को अबे दोनों में ऑफर चल रहा है इस, मैं घूम के आ गया ना, वैसे लिया नहीं हमने। अब रुक जा, इतनी तेज क्यों भाग रही है? चुप रखा है मैंने। अरे मेरे को पता है कौन से दो ऑप्शन होंगे, ऐसा मैंने गेस करा है, और एक ऑप्शन तो रेनोवेट हो रहा है, वो बंद है, तो मजबूरी हमें आसपास ही कहीं जाना पड़ेगा। कुछ भी। चल ठीक है, अभी पता लग जाएगा। H&M बंद है, रेनोवेट हो रहा है। चलो जा रहा है, लड़कों का है। अबे ये घूम के आ गया ना, कुछ लिया नहीं वैसे, कितने ऐसे घूम के आ गया, लिया नहीं कुछ वैसे, घूम के। तो ऐसा सीन हुआ है कि मेरे को नहीं पता कि H&M बंद है, तो लास्ट दूसरा ऑप्शन जा रहा ही है, तो मैं उसको ज़ारा से कुछ दिला देती हूँ। चलो अब कोई अच्छा लग रहा है, अबे उधर चल, उधर देखा था हमने कुछ बुरा लग रहा है। Another year is gone, but baby, all I know is that I want you here under the mistletoe. We know that must be. इसको मैंने दिलाई है, ये ब्लैक वाली जींस, और ये कितनी खूबसूरत सी लेज़ है, कितनी मज़े से। मेरा तो सिर्फ एक का था, मैंने चप्पल पसंद नहीं आई, खुद ले रहा है। बहुत ज़्यादा प्यारी थी, पर्पल कलर की, बट वो बहुत डिफेक्टिव निकल गई है। इट्स ओके। आरवी ने बोला कि बिल्कुल ही बाहर आ जाओ मॉल के बाहर, फिर बताऊंगा। देखो वो जा रहा भगता हुआ, जा रहा खाली मैदान में, आ जाते ये बताऊंगा। चलो देखते हैं, फिर वही बात आ रही है उस दिन जब। चलो ठीक है गाइस, इनके थोड़ा पर्सनल मैटर है, खाली मैदान में आ चुके हैं लड़ने के लिए लोग, चलो तो आ जाओ, बस खत्म करो। बस कर यार, चलो आज हो गया। तो नेक्स्ट मैं लिखने वाली हूँ कुछ पीने का, स्टारबक्स या टिम हॉर्टन्स, बिकॉज यहाँ पर ये दो ही अच्छे खास हैं। बहुत देर से ना मैंने नीचे वाली पर्ची नहीं ली। टिम हॉर्टन्स इसमें छोड़, तो मुझे अंजल वाले पिला दो, अंजल चलेंगे जाते टाइम वहाँ से पिला देंगे, या दूसरी पर्ची लिया। देखो गाइस, इसमें मैं इसकी मर्जी मानूंगी, मैंने इसको दो ऑप्शन दिए, स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स। बस ये स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स की तभी पीता है जब मैं खुद अपने लेके आता हूँ पीने के लिए, बट
ठीक है अब उसको नहीं पीनी, इस कौन से वाली पीनी, वैसे ये वाली विश पूरी कर दो। दूसरी पर्ची रेडी करके ना जल्दी फटाफट जा। तो अभी चलो दूसरी करते हैं, अभी इसकी कॉफी पेंडिंग है, इस कौन से वाली पीने का मन करे तभी मैं इसको पिला रही हूँ, बाकी तो मैंने तो ऑप्शन दिया था इसको। तो लास्ट है हमारा ये वाला, बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये हमारा जो लास्ट वाला बचा है वो बहुत क्यूट सा होने वाला है, इसमें दोनों में इसका फायदा है, पर देखो तो देखते हैं क्या आता है। पर आप कमेंट बताओ कि आप क्या चाह रहे हो, किसमें से क्या ये चूज करें, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। छोड़ जल्दी छोड़। I'll give you. अच्छा तू करेगी क्या? चल मैं कर देती हूँ। और इसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तो। बेइज्जती कर दी। अच्छा भक्ति हो जाएगी। ओहो। ये तो पागल आ गए। पागल हो गए। जबरदस्ती दूसरे वाले में किस होगी, किस चीज का मैं खुश हूँ उसमें। वो तो तू कर ही लेती है, वो तो तू वीडियो में कर ही लेती है, वो तो वीडियो के बाद में ऐसे कर लेती है। ले तो नेक्स्ट इसकी लास्ट बची है आंसर वाली कॉफी, तो चलो चलते हैं आंसर, अभी चलते हैं। गाइस मैं और साहू आए कोने में थोड़ी इंग्लिश में बात करने के लिए, हम इनको बोल के आए कि मेरे को और साहू को थोड़ी इंग्लिश में बात करनी है, तो मैंने देखो इंग्लिश में करते हैं हम लोग इंग्लिश में। या सो आई थिंक कि शी इज डूइंग सो मच फॉर मी इन दिस वीडियो एज यू गाइस आल्सो सी बिफोर, सो आई थिंक मेरे को लगता है तेरे को भी कुछ करना चाहिए। इंग्लिश में बोल, आई थिंक यू हैव टू डू समथिंग फॉर हर। सो गाइस मतलब आई थिंक पर्सनली कि मेरे को उसको ना कुछ मतलब मेरे को भी थोड़ा एक चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ छोटी सी, तो मैंने सोचा कि उसको ना बहुत पसंद है, जैसे मैं पैसा कॉफ़ी पीना बहुत पसंद होता है लड़कियों को, सबको पसंद, इसको भी बहुत पसंद है। लेकिन तुम्हें पता कहाँ से पी गई? स्टारबक्स में कौन सी पीती है भाई, वो पता नहीं, वो तो डेली तो चेंज करती रहती है। आप भी चल लेंगे उसके पास, उसको लेके चलेंगे स्टारबक्स की, मेरे को मैं बोलूँगा उसको, बता मत। तो अभी चलते देखते हैं, कोई ना कुछ जुगाड़ सोच लेंगे हम, तो फटाफट चलते हैं। अभी वो आर्मी को लेके अंदर गए क्योंकि मैंने बोला मेरे को साउथ से इंग्लिश में कुछ बात करनी है ब्लॉग के अंदर, जो तू बाद में देखियो। तो फटाफट चलते हैं। लाइन लग रही है बहुत लंबी भाई, आगे तक की लाइन है, विशाल ही लग रहा सबसे पीछे। विशाल ने ऑर्डर, विशाल का नंबर आ ही गया, ले लिया डन। चलो क्या लिखवाया तूने? स्मॉल गिफ्ट, सही है। Let's go. Small gift. परी के लिए। तो लोग गए गाड़ी में, मैं हम मतलब उनसे थोड़ा पीछे थे, और इसमें मैंने ये लिखवा भी रखा है अ स्मॉल गिफ्ट, जो आपने देख लिया था अभी इससे पहले वाले टेक में। तो वो बैठे हुए हैं, आओ चलो देते हैं कॉफ़ी एंड देखते हैं क्या रिएक्शन होने वाला है, देखते हैं। खुश हो रही है तो भाई। हर बार ही ऐसी करती है। कौन सी लाया? अब तो मैं भी भूल गया। बता कौन सी लाया? टॉफी नट क्रंच लैटे। इसमें देखते सही क्या लिखवाया मैंने? CHT, a small gift. मैंने कुछ करा ये साउथ से पूछ लिया था। हां इसका दिमाग था भाई, मैंने कुछ नहीं करा। ऐसे कर दूं ऐसे चल जाएगा। इसको पता था कि अच्छी लगती तेरे को, खुश है तू? ये ले बिल। ओके जो कल तू मार रहा था मेरे में थोड़ी, और हां कल वाली अच्छी थी कल वाली। चलो थैंक यू, चल जा चल ना। मैं पागल है क्या तू? मैं तो देख रही थी। और साहू आर्मी को लेटर में घर जाना था, पर हमको जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। गलत बात है ना तुम्हारी? तो
तुम भी तो आए ना, तेरे भी मन में लालच आ रहे ना चाय पीने का। नहीं भाई अब आ गया तो पीनी पड़ेगी। मट्टी खा ले भैया, एक कॉफी कर दो 50 वाली और एक ही करना बस। पागल है तू एक। हाँ दो ठीक है, दो क्यों बनाया? बढ़िया बढ़िया मजा आ गया। परी मेरे को पिला रही है कॉफी। खुश तो रहता ही हूँ मैं। विशाल की प्यार भरी कॉफी मेरी तरफ से देने से बावला हो गया। ये तो जा रहा था। वन क्रंची लाटे मोका फ्रैपेचिनो लांसल वाली कॉफी। ड्रामे कर रही है। तुझे पता कैसी लग रही है? एक स्पेशल ऐड। कैसी लग रही है? बेटर देन स्टारबक्स यार रियली। तो उसी साथ मेरे दो दोस्त जा रहे हैं। अरे रुक जाओ, चले जाना अभी। दे दूंगा बुद्धि पे। छोड़ के आएगा, बकवास कर रहा है। अरे दूसरा है मेरा ना। तेल डाल, तेल डाल वाले चल लेंगे। अभी चल रहा हूँ बता, अभी डाला तेल अभी चल रहा हूँ। तेल जितने में डलवाएगा ना इतने में दोनों कैब से पहुंच जाऊं। सारी सो हमारी मैंने सारी आज को अच्छे से पैम्पर करा, इसकी सारी विशेष पूरी करी, जो जो उसने चूज करा मतलब इसको पता तो था नहीं, बट जो भी इसके हिस्से में आया वो सब कुछ मैंने पूरा करा है। अब तू मेरे को ये बता कि तेरे को कैसा लगा आज का दिन? मैं तो इसके हर व्लॉग में ऑलमोस्ट मजे ही आते हैं क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। कभी मैंने इसके साथ वो वाला बनाया 24 आवर्स में 24 गिफ्ट्स, इसके बर्थडे पे इसको खूब सारे गिफ्ट दिए थे मैंने, इसके बर्थडे पे जो दिया था, पर इसने मेरे बर्थडे पे वो पूरा हिसाब किताब मिला के एक ही चीज दी थी। मजा आया, अच्छा फील हुआ। एम आई अ गुड गर्ल? या समटाइम्स समटाइम्स दिमाग खराब। सो हे गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। मैं घर आ रही, मेरे को बहुत देर हो गई, आप देख सकते हो मैं बहुत ज्यादा ही रोई हूँ अभी, बहुत 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 ज्यादा। सिर्फ इस इंसान की वजह से, इस लड़के ने मेरे को बहुत दुखी कर रखा है, बहुत रोई हूँ लिटरली अभी। ये देखिए, ये मैंने जस्ट अभी चंडीगढ़ से रिसेंटली ये पाउडर ब्रश लिया था और इसने क्या कंडीशन कर रखी है उसकी। और ये है मेरा लूज पाउडर, इस पे दांत मारे हैं बट लकीली ये बच गया। मेरा तो यार ये देखो, हर चीज जो मतलब यार पैसे से ली जाती है, मेरे लिए मेरा मेकअप के कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज है, मेरे शूज कपड़े या मेकअप प्रोडक्ट, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ही दिल के करीब होते हैं। सारी बहुत मेरे को बहुत महंगा लगा था ब्रश, मैंने पहली बार इतना महंगा ब्रश लिया था और इसने ये करा है। वो तो उसमें लकीली उस बैग में मेरी लिपस्टिक ली थी मैंने, वो भी आज खत्म थी, वो तो मैं और रोती, फिर अभी भी रोना आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है इससे, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ उसको। उसको तो उसको पता नहीं कि वो ब्रश है, वो मेकअप है, उसको क्या ही पता है। देखो देखो देखो, एक नुकसान करके तुम्हें शर्म नहीं आई तो तुम दूसरा नुकसान करने फिर चले। हाँ तो आज वाला मेरा ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी, ब्लॉग बहुत अच्छे से, वीडियो बहुत अच्छे से था, बट एंडिंग बहुत रोने वाली हो रही मेरी साइड से, मेरे को लिटरली बहुत और रोना आ रहा है। होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताना कौन सा जो विशाल की विश थी किसमें वाला मजा आया किस पार्ट में। तो मिलते हैं सीधा अगली यूट्यूब वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरे को टेक केयर बोलो, सब बोलो यार, टेक केयर टेक केयर। जरूरत है, मैं बहुत परेशान हो गई यार। तो इस वाले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर देना। शर्म है, शर्म है, बदतमीज। अच्छा नुकसान करते हो एक तो। बाय बाय गाइस। गाइस आज ही डॉलर ने मेरे साथ इतना बड़ा जो हरकत करी है, बहुत गुस्सा आ रहा है। और आज ही मैं इसके लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, स्वेटर, बिकॉज को ठंड लगती है तो मैंने सोचा इसे स्वेटर लेके, पर इसने मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आज कसम से। बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को इसका।